center. Can thank you. सर फोटो चाहिए फोटो चाहिए हमको फोटो चाहिए एक फोटो चाहिए अरे इसने जॉन सर इसको फोटो चाहिए नहीं नहीं हम नहीं करा क्या उनको हम लोग के सर 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 हमको भी चाहिए बहुत जने आज बहुत जने अरे फोटो लेने दो फोटो लेने दो वो है विजुअल लो सर थोड़ा विजुअल होने दो डन थैंक यू डैनियल जॉन सर इधर ही साथ में ऊपर ना सर चलिए हो गया एक्साइटमेंट है एंड आई थिंक ये देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है कि लोग फिल्म को कैसे रिसीव करेंगे और क्या लोगों को उतनी पसंद आएगी जितना मजा हमें आया बनाते हुए तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है जैसे आप जो कहा कि काफी एक्साइटेड हो दिस इज योर फर्स्ट डेब्यू तो हाउ वाज वर्किंग विद मनोज जी एंड जॉन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अ फैंटैबुलस एक्सपीरियंस एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग यू कैन नॉट फाइंड द राइट टीम फाइंड्स यू So even if you put all your planning and prep together, you cannot get a team that works together the way we worked on Satyam Vijayate. It's just the right team that's just come together by destiny and luck. And I think in my first film, to share screen space with someone as big as John, who's a huge star, and an iconic actor like Manoj sir, you know, who's known for his craft, it's just, I couldn't have asked for more. It's been a fabulous experience. Most importantly, it's been a big learning experience. Manoj, iconic actor. गलती से बोल दिया वो आपको बोलती तो ज्यादा अच्छा रहे जी नहीं मेरे लिए ये फिल्म बड़ी स्पेशल इसलिए है कि एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशल रहा है मेरे लिए आई मेट टू मेनी फ्रेंड्स एंड निखिल अडवाणी के साथ में हमारी बातचीत चल रही थी कई सालों से कि साथ में काम करेंगे बट वो उस तरह की स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी कभी भी हमारे पास या निखिल जब भी मेरे पास स्क्रिप्ट भेजते थे मुझे मज़ा नहीं आता था बट लेकिन इस बार जो है मिलाप जवेरी ने जब मुझे पूरी कहानी सुनाई पूरी स्क्रिप्ट सुनाई मैं दंग रह गया उनकी मतलब पहले सीन से लेकर लास्ट सीन तक मैं पूरी तरीके से जबकि मैं नरेशन बिल्कुल नहीं लेता मैं नरेशन में सो जाता हूँ इवन इफ माई मतलब मेरी आँखें खुली भी हों तभी जो है मेरा स्विच ऑफ हो जाता है कम्प्लीटली बट ये इनके स्क्रिप्ट का कमाल था कि पहले सीन से लेकर लास्ट सीन तक एकदम मैं जगा हुआ था पूरे तरीके से अलर्ट था एंड मैं सोच रहा था कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा तो मेरे लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है कमर्शियल फिल्में और ये इस श्रेणी की फिल्में मैंने बहुत कम की हैं लेकिन इस बार जो मैंने इस फिल्म को छुआ है मैं कहूँगा कि आई वॉज वेरी वेरी लकी दैट दिस स्क्रिप्ट केम टू मी आप करप्शन के अगेंस्ट आप आवाज उठाते हो आई थिंक इट्स अ सत्यमेव जयते मोमेंट और हमारे साथ आपके साथ ये तो हर रोज होता है और आप डिसीशन आपके ऊपर है कि आपको रिश्वत देना है आपको नहीं देना है आपको सिस्टम फॉलो करना है इसको तोड़ना है तो इट्स अ डिसीशन दैट यू हैव टू मेक इन लाइफ और 99% ऑफ द टाइम आप फॉलो नहीं करते हो तो मैंने लाइफ में ये पहले से ही मेरा ये डिफॉल्ट सेटिंग है क्योंकि मेरे पिताजी जो है बहुत ही ऑनेस्ट स्ट्रेट किस्म के इंसान थे है ही हैज़ ऑलवेज नेवर ब्राइब्ड एनीबडी नेवर डन एनीथिंग तो मैंने कभी लाइफ में ये नहीं किया तो ये मेरा सत्यमेव जयते मोमेंट इज एवरी डे ऑफ माय लाइफ आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट सर कितना 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 बदला इस फिल्म की स्क्रिप्ट ने आपको एज एन आई डोंट थिंक इट चेंज्ड मी एज आई थिंक इट जस्ट इट्स मेंट टू एंटरटेन ऑल ऑफ यू और जैसे मनोज ने कहा कि इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म और हमारी जो हार्श रियलिटीज है रियल लाइफ में करप्शन वुमेन मॉलेस्टेशन जैसे लड़कियाँ रास्ते पे चलती हैं उनको लगता है कि कोई उसके कपड़े उतार रहे हैं विदाउट इवन टेकिंग इट ऑफ तो ऐसे लगता है कि उनको थप्पड़ मारे तो ये हमारा जो कैरेक्टर है दोनों का ये वही करता है वी एड्रेस दी सिचुएशंस लेकिन इन डिफरेंट वेज सर
आप लोगों से जानना चाहूंगी कि जब जब ऐसे करप्शन ऐसे टॉपिक्स पे मूवीज बनती है तो कई चीजों का ध्यान देना पड़ता है, तो आप लोगों ने खुद को किस तरह से प्रिपेयर किया है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए या ये चीजें मूवी में सही गलत थी? कैसे प्रिपेयर किया? मिलाप ज़वेरी की फिल्म में प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलाप ज़वेरी अपने आप वो, अगर आप प्रिपरेशन करके गए तो ये मान के चलिए कि आपके सारे प्रिपरेशन को उठा के बाहर कर देंगे और उनके एक नई तरीके की जो एक्टिंग की स्टाइल है वो लेकर के आते हैं और वो आपको देते हैं करने के लिए। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको करनी है, मैं बाकी एक्टर्स से कह रहा हूँ जो आगे उनके साथ काम करेंगे, सिर्फ एक ही काम कीजिएगा, आप प्रिपरेशन बिल्कुल मत कीजिएगा। सेट पे जाने के बाद जो डायलॉग हो और जो सिर्फ सुनिए कि वो क्या चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन उनको एक्टिंग जब वो करके दिखाएंगे उसको फॉलो मत कीजिए। मिलाप ज़वेरी बहुत बुरे एक्टर है। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, जितने अच्छे डायलॉग राइटर हैं उससे कहीं कई गुना अच्छे वो डायरेक्टर हैं, और ये फिल्म जो है अपने आप में गवाह है। एंड फिल्म देख करके हम लोग दंग रह गए, खासकर जब डबिंग करते समय जॉन ने भी कहा इस बात को, मैं भी फिल्म देख रहा था, एक एक सीन को जिस तरीके से उसने शूट किया है, सारे परफॉर्मेंसेस को उसने कवर किया है, इट्स अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। ओके मनसुख, जब पहली नरेशन हुई तो हर एक एक्टर चाहता है कि इस कहानी में कुछ अपना एड ऑन करूं, कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस डालूं, तो आपकी जिंदगी का क्या वो मसाला रहा, क्या वो इंसिडेंट रहे या फिर मैंने आपको मतलब बताया ना, इसमें मिलाप ज़वेरी के जिंदगी के इंसिडेंट हमने डाले। हमारी जिंदगी के इंसिडेंट जो है वो इसमें वेलकम भी नहीं थे। इसमें हमें ये कहा गया कि एक खास तरीके की उनको एक्टिंग चाहिए थी, एक खास तरीके से उनको जो है डायलॉग डिलीवरी चाहिए। इस फिल्म का सोल जो रिस्पॉन्सिबल है और कैप्टन है वो मिलाप ज़वेरी है। हमारा काम था कि भाई हमने स्क्रिप्ट सुनी, हमने हाँ बोला, उसके बाद मिलाप ज़वेरी ने पूरे तरीके से कंट्रोल किया है इस पूरी फिल्म को, फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टिल द लास्ट फ्रेम। हमने जब जब अपने तरीके से कुछ नया करने की कोशिश की, उन्होंने उसको हटाया, उन्होंने वो अपना कुछ लेके आए, कुछ यूनिक सा लेकर के आए हैं, और जो कि फिल्म का सबसे बड़ी खूबी है, चाहे वो डायलॉग बोलने को लेकर के हो, चाहे साइलेंसेस को लेकर के हो, चाहे वो वॉक को लेकर के, everything, you know, everything, we just followed his instruction and nothing else. John, pehle Parmanu and now Abdul, so kitni responsibilities badh jati, because Parmanu is also one of the hit movie, so kitni responsibility badh jati hai to same genre movies karte hain? Nahi, it's not the same genre, Parmanu is actually a completely different genre, and Parmanu, mere khayal se there was bigger responsibility for me, kyunki main producer bhi tha usme. So there was a lot of responsibility, and I must thank all of you also. You all supported the film, so thank you so much. Aur abhi bhi chal rahi hai. It's going to be 75 days. Aur I think very few films, I've not heard of a film recently which has done 75 days. So I'm lucky, I'm blessed. Lekin ye bahut hi alag film hai, and I think you must do all kinds of films. Iske baad I would like to do a comedy. I love comedies, so I told Mr. Manoj Bajpayee also, he's a very funny man in real life. I said, inko bhi ek comedy karna chahiye, because it's always makes you happier. So I think the sense of responsibility here is that hum log actors hai isme, aur har ek ko success ki zarurat hai. We want to go on with our careers with a successful film. So we hope Satyamev Jayate is a successful film. डायरेक्टर बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम, बस 20 किलो कम कर ले बस। आप बताइए क्या मतलब क्या क्या होता है आपका पहली फिल्म के साथ इतना इतनी सारी चीजें हैपनिंग होती है? देखिए हम सब फिल्म बनाते हैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कि उसको लोग देखने जाएं और उसको पसंद करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे उसको कोई देखने नहीं जाएगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है। और जब एक फिल्म चलती है एवरीथिंग अबाउट द फिल्म वर्क्स, सो आई ऑलवेज वांटेड टू डेब्यू विद अ फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पे चले, विच इज़ अ ब्लॉक पोटेंशियली अ ब्लॉक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर, ताकि उसके बाद आपको वो चॉइसेस और प्लेटफॉर्म मिले टू डू द काइंड ऑफ वर्क यू रियली वांट टू डू। तो जब सातवें विजय के साथ यू नो ये सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग राइट फॉर द फिल्म, सो वी होप एंड वी कैन ओनली होप एंड प्रे दैट द पीपल लाइक द फिल्म, so that then you're appreciated, and like John mentioned before, when you're successful and then you just have the choice to do the kind of films you want to do. So, जो आते हैं आपने कोई सीखी हो सर से, दोनों सर से?
जी बहुत कुछ, आई थिंक इन लोगों से इतना कुछ है सीखने को. जॉन से जो मैंने सीखा है सबसे ज़्यादा इज़ ह्यूमिलिटी, एंड आई थिंक उसका लेसन जॉन से बेटर कोई नहीं दे सकता. ही इज़ सो हम्बल, एंड आफ्टर ऑल दीज इन द इंडस्ट्री व्हेन ही इज़ टू कम ऑन द सेट ही वाज़ ही इज़ जस्ट वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पीपल आई मेट. ही इज़ सो हम्बल. And something that I've learned about Manoj sir, I don't know, I'm sure you guys must know, he has this crazy sense of humor. He's so funny, so you can take your craft very seriously, like he does, and he does these fabulous performances, but you don't have to take yourself seriously. He will do a scene and then break into a laughter and crack a joke and then get into his character again. I was like, wow, I wasn't expecting him to be such a light-hearted, funny man, which he is, and a brilliant actor. अभिषेक शर्मा के साथ जब मैंने परमाणु की थी, उन्होंने कहा कि आप अपने आप को एब्सोल्युटली डीकंस्ट्रक्ट कर दो और हम लोग शुरू से वर्कशॉप्स करेंगे एंड वी गेट इनटू द कैरेक्टर. इसमें जैसे मनोज जी ने कहा कि इसमें कुछ वर्कशॉप्स की जरूरत नहीं थी, यू हैव टू जस्ट लैंड अप ऑन सेट एंड डू इट. तो हर एक का एक ये रास्ता रहता है ना, आई फॉलो द डायरेक्टर. जैसे मैंने नरेशन सुना, जैसे इन्होंने सुना, when you hear it, you fall in love, you're like, wow, what a script, and we decided to do it. तो वैसे हमने किया, I'm sure you also enjoyed it, but for both of us, it was organic. सुनने के बाद we're like, अरे ये fantastic, मतलब fantastic script. मिलाप के साथ में एक चीज बहुत अच्छी थी कि जहाँ जहाँ पर मिलाप को लगा कि कुछ कमजोर है तो वो मुझसे कहता था कि सर यहाँ पे कुछ नया करते हैं, कुछ आप सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं. तो वो उसकी एक मतलब स्पेस रहता था. लेकिन मिलाप क्या है कि सारे जितने भी गैप्स हैं ना उसको फिल इन करके लाता है. वो कुछ भी छोड़ता नहीं है किसी के लिए भी. उसके दिमाग का वॉल टू वॉल, हाँ वो मतलब वॉल टू वॉल उसका मिलाप का एक बहुत जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है. मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे आप किसी भी जॉनर की फिल्म बना रहे हो, आप अगर कन्विंस्ड हैं उसको लेकर के, आप पूरे क्लियर हैं, देन यू आर माई डायरेक्टर. But if you are making a film just because somebody else has done it and somebody has got the recognition and success, that is why you are making it and you are not fully convinced about it, then it becomes very difficult for me to go with you. कि वो जैसे डेविड धवन साहब है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, क्योंकि जिस तरह की फिल्में बनाई हैं उन्होंने, मैंने थॉरली इन्जॉय किया उन फिल्मों को. बिकॉज डेविड जो हैं उन फिल्मों में विश्वास करते हैं, उनके लिए वही फिल्में सच हैं. तो मुझे इस या मिलाप जवेरी भी उसी श्रेणी में आते हैं कि ही एक्चुअली बिलीव्स इन द स्क्रिप्ट एंड द जॉनर ही इज वर्किंग इन, एंड दैट इज व्हेन द एक्टर्स जॉब बिकम वेरी वेरी सिंपल. सो जॉन रिलीजिंग करीब है और 15 अगस्त तक क्यों वो डेट फिक्स करी है? बिकॉज़ इट्स अ वेरी कमर्शियल डेट, उस पे आप बहुत पैसे बनाते हो वो डेट पे. I'll give you the math. अगर आप ये फिल्म सोलो रिलीज करते एक हफ्ते बाद, आपका बिजनेस उतना नहीं होता जितना अगस्त 15 पे होता विद गोल्ड. सो इट मेक्स मोर सेंस टू रिलीज इट ऑन अ हॉलीडे, और एक हॉलीडे पे दो बड़ी फिल्मों के लिए देयर इज इनफ स्पेस. सो इट्स नॉट कम्पीटिंग, वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, वी आर एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंटिंग. और जैसे मैंने कहा कि we would love for people to go and see Satyamev Jayate, we are also very happy if people go and see Gold. Okay, John sir, आप दोनों पहले नजर आए थे शूटआउट और बटाला में, उसके बाद अब ये वाली फिल्म है, और जैसे एक दूसरे का काम आप प्रेज करते हैं, कितना खुल के क्रिटिसाइज भी कर पाते हैं, जैसे कोई सीन चल रहा है और मनोज सर को आप कुछ बोल पाए या how can you criticize Manoj Bajpayee? Very difficult. It's very difficult to criticize him, but I think when you start, इनके साथ मैं यही कह सकता हूँ कि there is not only respect but there is a lot of love also. And मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि आई होप आई कैन गेट टू वर्क विद हिम अगेन, मे बी एज अ प्रोड्यूसर, ही एज एन एक्टर, मे बी यू नो इन एनी कैपेसिटी, इफ आई हैव एन एक्सक्यूज टू वर्क विद हिम आई वुड लव टू वर्क. सो नो क्वेश्चन ऑफ क्रिटिसिज्म. सर
नहीं नहीं, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं मैं एग्जैक्टली समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। कितनी बार क्या हुआ मेरे साथ में, जो हम लोग शूट कर रहे थे, कितनी बार क्या हुआ कि मैंने कोई किया, टेक किया, फिर मैंने एक जॉन मॉनिटर पर बैठे हुए थे, जॉन ने कहा कि आई थिंक एक और कर लो सर, एक और कर लो आप, है ना, दैट्स वेरी गुड। इस तरह का एक एटमोसफेयर है जहाँ पे को एक्टर आपको बोले कि सर एक और कर लो, दैट मीन्स कि यू कैन डू बेटर, यू नो। और चाहे मैंने कभी जॉन से कहा ना जॉन वो वाला अच्छा था, वो स्टिक टू दैट, या आयशा के लिए कभी शॉट में हम लोग क्लोजअप कुछ देख रहे हैं, आयशा बहुत बढ़िया था, जस्ट स्टिक टू दैट इन योर सेकंड टेक। सो हम लोग इस तरीके से आपस में बात करते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं होता है, रादर हेल्पिंग ईच अदर टू अंडरस्टैंड यू नो थिंग्स बेटर ऑन द सेट, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। Thank you so much. तो फिट गया।